नमस्कार साथियों, हमर कृषि YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैगन में बहुत सारे कीटों का प्रकोप होता है, लेकिन जो सूट और फ्रूट बोरर होता है, जिसे हम तना और फल भेदक कहते हैं, इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। हमें ऐसे कौन सा केमिकल का छिड़काव करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कब करना चाहिए, केमिकल के अलावा भी ऐसे कौन कौन से मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैं जिन्हें हम अपनाएंगे तो इस कीट का प्रकोप कम होगा। तो साथियों, सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस कीट की जो सुंडी होती है वह फल में छेद बनाकर अंदर जाती है, उसके बाद आराम से फलों को खाती है, जिससे बैंगन का मार्केट वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है। इसकी सुंडी तने में भी छेद बनाकर तने की कोशिकाओं को खाती है, जिससे तने का विकास पूरी तरह से रुक जाता है और इसमें जो फूल और फल आने वाले होते हैं वे नहीं आते हैं, इसलिए नुकसान डबल होता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक सुंडी केवल एक ही फल को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि फल छेदक की एक सुंडी 4 से 6 फलों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए तना और फल छेदक में लगभग 70% से लेकर 100% तक नुकसान होता है, और ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर इस कीट का प्रकोप ना हो। साथियों, अब फल छेदक के जीवन चक्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस कीट का जीवन चक्र अंडे, सुंडी, प्यूपा और वयस्क, इन चारों के रूप में कंप्लीट होता है। एक वयस्क कीट लगभग 200 अंडे देती है, उसके बाद इन अंडों से 3 से 5 दिनों के बाद लार्वा या सुंडी बाहर आती है और फिर यह तने और फल में छेद बनाकर अंदर चले जाती है। वहां पर वह लगभग 14 से 21 दिनों तक खाती है, उसके बाद वह प्यूपा बनाती है और प्यूपा मिट्टी में बनता है। फिर 7 से 14 दिनों के बाद यह प्यूपा डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और फिर वहां से एडल्ट या वयस्क कीट बाहर आता है। वयस्क कीट 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा, और ये दोनों मिलकर अंडा बनाते हैं। इस प्रकार से इसका जीवन चक्र 40 से 50 दिनों में पूरा हो जाता है। साथियों, अब हम इसके प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। फल छेदक के प्रबंधन के लिए हमें समन्वित प्रबंधन उपाय अपनाना चाहिए। समन्वित प्रबंधन वह प्रबंधन तकनीक है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक प्रबंधन उपायों को एक साथ अपनाते हैं, जैसे कि खेत की साफ सफाई। हमारा खेत हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, इसलिए पुराने फसल के जो अवशेष हैं, जो घास हैं, उसे रोपाई से पहले हटा देना है। खेतों की सफाई किए बिना हमें ना तो नर्सरी लगाना है, ना ही मुख्य खेत में फसल की रोपाई करनी है। दूसरा विधि है फसल चक्रण। एक खेत में एक के बाद दूसरे फसल को लेने की जो विधि होती है उसे कहते हैं फसल चक्रण। हमें एक ही परिवार के सदस्यों को एक ही खेत में नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि टमाटर, बैगन, मिर्च, ये सभी सोलेनेसी कुल के सदस्य हैं, तो बैगन के बाद हमें कोई भी दूसरा सोलेनेसी का पौधा नहीं लेना है। बैगन के बाद हमें टमाटर नहीं लेना है, बैगन के बाद हमें मिर्च नहीं लेना है और बैगन के बाद हमें बैगन नहीं लेना है। अगर हम बार बार बैगन की फसल या फिर सोलेनेसी कुल के सदस्य बार बार लेंगे तो फिर कीट और बीमारी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और इसका जो प्रबंधन है वह मुश्किल हो जाएगा। हमें हमेशा टॉलरेंट या रेजिस्टेंट वेराइटी लगाना चाहिए। रेजिस्टेंट या टॉलरेंट वे वेराइटी होते हैं जिनमें इस कीट का प्रकोप कम होता है, जैसे कि अन्ना मलाई और पूसा पर्पल लॉन्ग। इन दोनों किस्मों में तना और फल छेदक का प्रकोप कम होता है। हमें बैगन के साथ मक्का, धनिया या सौंफ का अंतः फसल अपनाना चाहिए, अंतः फसल या इंटरक्रॉपिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 लाइन मक्के का है, उसके बाद 2 लाइन बैगन का है, तो इस प्रकार से हमें खेती करनी है। अगर हम इस प्रकार से खेती करेंगे तो तना और फल छेदक का प्रकोप कम होगा। प्रभावित पौधों या फलों को हमें एकत्रित करके
खेत से बाहर ले जाकर उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा फल या तना प्रभावित है, उसे काट कर पहले एकत्रित करना है, उसके बाद उसे खेत के बाहर ले जाकर दबा या जला देना है, और यह क्रिया हमें 7 से 10 दिनों में एक बार करना है। ऐसा नहीं कि हम इसे केवल एक बार करें, हमें इसे 7 से 10 दिनों में रिपीट करना है, और रिपीट तब तक करना है जब तक कि हमारा फसल खेत में उपस्थित है। यह तरीका सबसे बेस्ट है इस कीट से लड़ने के लिए। और उपाय है फेरोमोन ट्रैप या फेरोमोन जाल। फल छेदक कीट के जो फेरोमोन है वो इस प्रकार से बाजार में उपलब्ध है। इस फेरोमोन को हमें इस प्रकार से ट्रैप में लगाना होता है। जैसे हम फेरोमोन ट्रैप को यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद यहाँ से एक खुशबू बाहर आएगी, और इस खुशबू को सूंघकर जो मेल कीट होते हैं, जो नर कीट होते हैं, वे आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के बाद वो यहाँ पर आकर फंस जाते हैं, जिससे हमारे खेत में नर कीट का जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, वह दिन ब दिन कम होते जाती है, जिसके कारण नर और मादा के बीच में मेटिंग नहीं हो पाती है और मादा कीट अंडे नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो फेरोमोन जाल है वह काम करता है। अगर हम केवल इसी प्रकार से जाल को ही लगा देंगे और इसके अंदर में फेरोमोन नहीं डालेंगे तो यह काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें यह जाल और यह फेरोमोन दोनों चाहिए होगा। जो फेरोमोन जाल होता है वे 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये, और फिर इस प्रकार से चिपचिपा जाल और पानी वाला जाल। तो यहाँ पर हमें फेरोमोन जो होते हैं उसे लगाना है, उसके बाद नर कीट आकर्षित होकर इसमें फंस जाते हैं, और एक हेक्टेयर में हमें 12 से 15 फेरोमोन ट्रैप को लगाना चाहिए। अगली विधि है प्रकाश जाल या लाइट ट्रैप। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक लाइट जल रही है और नीचे में यहाँ पर पानी है। रात में जब ये लाइट को हम ऑन करते हैं तो जो कीट होते हैं, जो वयस्क कीट होते हैं, वे यहाँ पर आकर्षित होते हैं और फिर यहाँ पर पानी में आकर गिरकर मर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रकाश जाल है वह काम करता है। हमें एक हेक्टेयर में 1 या 2 प्रकाश जाल लगाने चाहिए। आजकल इस प्रकार से सोलर वाला लाइट ट्रैप अवेलेबल है, आप मार्केट से इसे परचेस करके अपने खेत में लगा सकते हैं। और अगर हम इस पानी में थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड मिला देंगे तो यह विधि और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। अगली विधि है नीम तेल। नीम तेल में एक केमिकल होता है एजेडिरेक्टिन, जो कीट के विकास को कम करता है, जिससे कीट का पॉपुलेशन कम होता है। नीम तेल का उपयोग हमें हर 7 से 10 दिन के अंतराल में करना चाहिए, और स्प्रे करने के लिए हमें कीट के आने के इंतजार नहीं करना है। जैसे ही हमारा फसल 15 दिन का होगा, हमें नीम तेल का स्प्रे स्टार्ट कर देना है, और हर 7 से 10 दिन के अंतराल में हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। नीम तेल का स्प्रे कैसे करते हैं, डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में यह वीडियो अवेलेबल है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगली विधि है नीम केक। नीम के बीज से जब तेल निकालते हैं और तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसमें भी एजेडिरेक्टिन केमिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, और हमें 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 30 दिन के बाद हमें डालना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी में उपस्थित जो भी प्यूपा हैं या फिर कीट हैं वे मरने लगते हैं। रोपाई से पहले इमिडाक्लोप्रिड के विलयन में हमें छोटे पौधे के जड़ों को डुबा कर रखना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस सॉल्यूशन में हमें डुबा कर रखना है। ऐसा करने से इस कीट का प्रकोप कम होता है। जो विधि अभी बताई गई है उनको अपनाने से इस कीट का प्रकोप कम होता है, लेकिन अगर इस कीट का प्रकोप फिर भी कम ना हो तो हमारे पास केमिकल इंसेक्टिसाइड या कीटनाशी को स्प्रे करने का ऑप्शन है। इसके लिए बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं जिसका हम स्प्रे कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG, इसके 200 ग्राम को 500 लीटर पानी में मिलाकर हमें 1 हेक्टेयर में स्प्रे करना है। 1 हेक्टेयर मतलब कि लगभग 2.5 एकड़। तो 2.5 एकड़ के लिए हमें चाहिए केवल 200 ग्राम साइफरमेथ्रिन 3% और क्विनोलफॉस 20%। इसकी 350 ग्राम 500 लीटर के पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में हमें स्प्रे करना है। लेमडा साइहेलोथ्रिन 5% EC, इसका 300 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए। क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल
और लेमडा साहेलोथ्रिन, इसका 200 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए। फ्लूबेंडियामाइड, इसका 200 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए। थियाक्लोप्रिड, इसका 750 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए। स्पीरोटेट्रामेट 11.01% और इमिडाक्लोप्रिड 11.01%, इसकी 500 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए। पायरीप्रोक्सीफेन 5% और फेनप्रोपैथ्रिन 15%, इसका भी 500 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए। हाइपरमेथ्रिन और क्विनोलफॉस, इसका 350 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए। थियोडिकार्ब 75%, इसका 625 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए। क्लोरेन ट्रेनिलीप्रोल 18.50%, इसका 200 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए। थियाक्लोप्रिड 21.70%, इसका भी 750 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए। स्पिनोसेट 45% ईसी, इसका केवल 162 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए। क्लोरपायरीफॉस 20% ईसी, इसका 1 किलोग्राम एक हेक्टेयर के लिए। और डाइमेथोएट 30%, 660 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको खेती में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।